वैलेंटाइन डे आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है चॉकलेट्स, फ्लावर्स, कैंडीज और गिफ्ट्स, पर आज मैं बात करूंगी वैलेंटाइन्स की ग्रे साइड, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। हाँ, वैलेंटाइन डे पे जो हम लोग गिफ्ट्स, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, कार्ड्स देते हैं, उनके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। शायद हमने उतने सोचे भी नहीं उतने ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका प्लास्टिक रोटी में आपका स्वागत करती हूँ। प्लास्टिक रोटी इंडिया का पहला जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल चैनल। अमेरिका में वैलेंटाइन के दौरान 2 बिलियन फ्लावर्स इंपोर्ट किए जाते हैं और इनको इंपोर्ट करने के लिए 114 मिलियन टन पेट्रोल इस्तेमाल होता है और उसका कार्बन फुटप्रिंट्स 360 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक कंट्री पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रही है एक प्रोडक्ट को जिसके कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हैवी हैं, पर उसकी यूजेज, उसकी रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। वैलेंटाइन डे कोई त्यौहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, इसको सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज अपनी डिमांड्स को पुश करने के लिए क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें फ्लावर इंडस्ट्री, चॉकलेट इंडस्ट्री और कार्ड्स इंडस्ट्री, गिफ्टिंग इंडस्ट्रीज भरपूर हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका का ये स्टैटिक्स है, इंडिया में तो हम लोग कम करते होंगे, तो 180 मिलियन रुपीस 2012 में हम लोगों ने सिर्फ वैलेंटाइन डे के दौरान खर्च किए। इससे लेटेस्ट डेटा मुझे नहीं मिल पाया और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस टाइम तकरीबन डबल हो गया होगा, क्योंकि अब 2020 चल रहा है। इंडियन सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं कार्ड्स के ऊपर, फ्लावर्स, ग्रीटिंग्स, गिफ्ट्स के ऊपर। गिफ्ट्स में छोटा मोटा प्लास्टिक गिफ्ट से लेके वो एक सेलफोन तक हो सकते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि खास वैलेंटाइन डे के लिए ऑन एवरेज बैचलर्स 1500 रुपये खर्च करते हैं और वो 1500 रुपये फ्लावर्स से लेके गिफ्ट्स तक में होते हैं। तो फ्लावर्स की जगह पे आप उन्हें एक प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं, रोजेस का या किसी और चीज़ का जो आपके पार्टनर को अच्छा लगता हो। वो एक फ्लावर ऑन एवरेज जो 3 किलोग्राम के करीब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उसकी के ऑपोजिट अगर आप एक प्लांट गिफ्ट करेंगे तो वो उसको लाइफ लॉन्ग उतना ही ऑक्सीजन रिलीज करके देता रहेगा। और सेकंड, वो एक टेम्परेरी गिफ्ट नहीं रहेगा जो कि 10-15 दिन में मुरझा जाता है और डस्टबिन का हिस्सा हो जाता है, बल्कि उसकी जगह पे वो उसको हमेशा अपने पास रख सकता है, उसको नर्चर कर सकता है। उसको आप उसको एक ऐसी चीज़ नहीं दे रहे हो जो कि क्षणिक है, जो कि कुछ देर के लिए है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हो सकता है और वो एक मेमोरेबल प्लांट उसके घर में कम से कम 6 महीने तो रहेगा ही। चॉकलेट इंडस्ट्रीज भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। अब से अक्सर चॉकलेट का डार्क साइड छिपाया जाता है। चॉकलेट इंडस्ट्री में हैवीली चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है और दूसरा, इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाली लेबर है उन्हें प्रॉपरली वेजेस भी नहीं दिए जाते हैं। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री को फोर्स कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, जो ना इन्वायरमेंटली अच्छी है ना ह्यूमैनिटी लेवल पे अच्छी है। चाइल्ड लेबर सोचना चाहिए। इसका ऑल्टरनेट आप उसको और कुछ दे सकते हैं जो उसे ज़्यादा पसंद हो। मेरे हस्बैंड को चॉकलेट या केक से ज़्यादा हलवा पसंद है, तो मैं उनके लिए हलवा बनाती हूँ उन दिनों। अब नहीं, क्योंकि वो फेज़ निकल चुका है। इस टाइम ग्रीटिंग कार्ड्स की सेल 10 गुना ज़्यादा होती है और ज़्यादातर ग्रीटिंग कार्ड्स में ग्लिटर होता है, स्पार्कल होता है और अनएथिकल वे से यूज़ किया हुआ पेपर होता है। तो क्यों उस पेपर को वेस्ट करना है? आपके पार्टनर को आप ब्लेस करना चाहेंगे कि उसको थोड़ी और क्लीन इन्वायरमेंट मिले, रादर देन कार्ड्स के अगर आप उनको लेटर लिखेंगे तो वो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक लेटर में हम अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं रादर देन ये छोटे से कार्ड में, जिसमें जो वर्ड्स हैं वो किसी और के लिखे हुए हैं, किसी और की कोट्स हैं। फीलिंग भी नहीं मैं उसको कहूँगी, वो किसी और के कोट्स है। तो उसकी जगह पर आप उनको हैंड रिटन अच्छा सा लेटर दे सकते हैं।
प्लीज इन प्लास्टिक गिफ्ट से तो बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक गिफ्ट्स की लाइफ बहुत कम होती है, इनकी ना ड्यूरेबिलिटी होती है, ना फंक्शनैलिटी होती है, ना पता नहीं क्यों देते हैं लोग सॉफ्ट टॉयज। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये हार्ट शेप पिलो गिफ्ट किया था अराउंड 2012। अगर इस पिलो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिंथेटिक फाइबर है, ये सिंथेटिक है, ये प्लास्टिक है, और जितने भी आपके सॉफ्ट टॉयज हैं कोई भी 100% कॉटन मेड नहीं होता, ना ही उनके अंदर कॉटन भरी जाती है, वो पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर ही होता है। मैं बट ऑब्वियस जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये गंदे होते हैं, जब आप इनको धोते हो तो माइक्रोप्लास्ट है, पानी में घुलता है और वो बाद में हमारे नमक का हिस्सा बन चुका है और वही प्लास्टिक वाला नमक हम खा रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी कहानी भी शेयर करना चाहती हूँ, जो कहानी नहीं है एक्चुअली, वो जीव जगत की सच्चाई है, और वो सच्चाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई जब मैंने ये इसको पहली बार सुना। आपने सुना होगा कि कुत्ता बहुत गंदी मौत मरता है और शेर बहुत अच्छी मौत मरता है। उसका कारण, कुत्ते को जब ज़रूरत होती है वो नया पार्टनर ढूंढता है, अपनी ज़रूरत पूरी करता है और उसको छोड़ देता है, जबकि शेर जिस शेरनी के साथ कमिट करता है उसी शेरनी के साथ पूरी ज़िंदगी रहता है। और यही एक कारण है, जब कुत्ता मरता है तो उसके पास कोई रोने वाला नहीं होता, क्योंकि उसने वो इमोशंस, वो आप कह लीजिए कि वो बॉन्डिंग इन्वेस्ट ही नहीं करी होती है किसी एक इंसान के ऊपर, और दूसरी तरफ उस शेर ने अपनी पूरी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बनाने में बिताई होती है। इसीलिए शेर जंगल पर राज करता है और कुत्ता वो चाह के भी नहीं कर पाता। माफ़ कीजिए, मैं किसी को गाली देना या किसी को गलत कहना नहीं चाहती हूँ, पर ये जीव जगत की सच्चाई है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं एक शेरनी एक शेर के साथ रहती हूँ। और इस बात की मैं लिख के आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक शेर के साथ रहते हैं तो आप भी शेरनी बन जाते हैं, और शेर और शेरनियों को वैलेंटाइन में ये बहुत सारे गिफ्ट्स की या ये एक टेम्परेली शो ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि आपको ये जीव जगत की सच्चाई कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सभी शेर और शेरनियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी फीलिंग्स किसी एक दिन की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ास तौर पर इन गिफ्ट्स की तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके कार्बन फुटप्रिंट्स और जिनमें ना इमोशंस हैं ना कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री को पुश करने के लिए इंडस्ट्री द्वारा ही क्रिएट किया गया एक दिन है, और इससे ज़्यादा मेरी नज़र में कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और पल्यूटर के साथ और उसका सल्यूशन जानेंगे। धन्यवाद।